नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं साउंड चैप्टर के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशंस। तो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से हम प्रारंभ करेंगे कि साउंड होता क्या है। तो साउंड जो है वह फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जो कि हमारे ईयर्स में सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? तो देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स। साउंड जो होता है वह एक वाइब्रेटिंग सोर्स की मदद से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जब भी आप कभी भी किसी वाइब्रेटिंग सोर्स को देखेंगे या कहीं किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है। ठीक है, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक मेटल पैन लिया और इसको ऐसे हैंग कर दिया एक रोप की मदद से, और इसको स्टिक से हिट किया, और देखा कि स्ट्राइक जब करते हैं तो ये जो पैन होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो वाइब्रेट करता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर आप टच करेंगे पैन को जेंटली, तो आप उन वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू फील? आप फील करते हैं वाइब्रेशंस, राइट? तो ऐसा आप हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है वह वाइब्रेट भी करता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो बेसिक जो है पहले वो होगा वाइब्रेशन। ठीक है, तो देखिए, एग्जाम्पल्स टू शो दैट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड। तो देखिए, गिटार जो है वो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि जब हम प्लग करते हैं स्ट्रिंग्स को, तो क्या होता है, गिटार की स्ट्रिंग्स जो हैं वाइब्रेट होती हैं इस तरह से, और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद में व्हेन द स्ट्रिंग्स स्टॉप वाइब्रेटिंग, तो साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। ठीक है, ड्रम, अगर आप ड्रम की मेम्ब्रेन की बात करें, तो आपको पता है ड्रम में जब हम ड्रम को हिट करते हैं, ड्रम की सरफेस को हिट करते हैं, तो उसकी मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट करती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं, तो व्हेन अ पर्सन शाउट्स, तो क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड वो क्या करती है, वह एयर कॉलम को वाइब्रेट करती है। ठीक है, इसके बाद में आप स्पीकर के डायफ्राम को भी वाइब्रेट करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है ना, सो व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशंस? वाइब्रेशंस होते क्या हैं? सो कंसिडर दिस बॉक्स टू बी अ मीडियम, ये मीडियम है, और द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम 1, 2, 3, 4, ये पार्टिकल्स हैं मीडियम के। अगर आप इसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं इस तरह से, आप फर्स्ट पार्टिकल को हिट करते हैं, फर्स्ट पार्टिकल मूव्स एंड हिट्स द सेकेंड पार्टिकल, फिर सेकेंड पार्टिकल हिट करता है थर्ड पार्टिकल को, और फिर थर्ड पार्टिकल हिट करता है फोर्थ पार्टिकल को, और इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, तो द पार्टिकल डू नॉट पार्टिकल पार्टिकल्स डोंट मूव, पार्टिकल्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं होते हैं, दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन। वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मूव करते हैं अबाउट देयर मीन पोजिशन। तो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। तो ये जो टू एंड फ्रो, आगे पीछे का जो मूवमेंट होता है मीन पोजिशन के अबाउट, इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, इफ कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस द पार्टिकल्स वाइब्रेट कंटिन्यूअसली। अगर आप कंटिन्यूअसली उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स विल मूव कंटिन्यूअसली। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, दिस कंटिन्यूअस मोशन फॉर्म्स अ वेव। इस कंटिन्यूअस मोशन के कारण क्या होता है, एक वेव प्रोड्यूस होती है। तो वेव जो है ना, वेव क्या होता है, वेव जो है एक टाइप ऑफ डिस्टरबेंस होता है। वेव एक टाइप ऑफ डिस्टरबेंस होता है जो कि किसी मीडियम में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और याद रखिए, ये वेव जो है ये एक्चुअली एक तरीका है, इट इज़ अ मैथड बाय विच, और इट इज़ अ वे बाय विच अ वेव कैन अ डिस्टर्बेंस कैन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। मतलब कि यह एक तरीका है जिससे कि डिस्टर्बेंस जो होता है वह मीडियम में क्या करता है, ट्रेवल करता है।
साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो देखिए साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस की बात करें तो साउंड किससे, ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस जो है उनमें लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, और वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर नैरो गैप होता है, और लंग्स फोर्स एयर थ्रू द वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स जो होता है उससे एयर को क्या करता है, लंग्स थ्रो करता है। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस्ड साउंड। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो मसल्स होते हैं जो कि वोकल कॉर्ड से अटैच होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उसको लूज या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, दिस चेंजेस द पिच ऑफ द साउंड। वो ये जो रहता है ये साउंड के पिच को चेंज करता है। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूसेस साउंड। नोज लिप्स टंग वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड टू स्पीच। स्पीच इज अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट हैज अ डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग फॉर अस। ओके, इट हैज अ डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग फॉर अस। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। तो देखिए एनिमल्स प्रोड्यूस साउंड बाय मीन्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। डॉग्स बार्क, कैट्स म्यू एंड द हॉर्सेस नेइ। लायंस रोर, काउज मू। ओके, बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड बाय मीन्स ऑफ सिरिंग्स। ओके, रिंग ऑफ कार्टिलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओवल मेम्ब्रेन्स। राइट, कोयल, मैना एंड पैरट। देन थर्ड इज इंसेक्ट्स मेक देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स रैपिडली। मस्कीटोज, बीज। ओके, देन कम्स हाउ कैन वी टेल डिफरेंस बिटवीन बीज विथ एंड विदाउट हनी। ओके, बीज विथ हनी आर हैवियर एंड वाइब्रेट देयर विंग्स लेस रैपिडली। बीज विदाउट हनी आर लाइटर एंड वाइब्रेट देयर विंग्स मोर रैपिडली। देयर इज अ डिफरेंस इन द बजिंग साउंड। ओके, साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो यू नो साउंड इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। एंड डू रिमेंबर दैट साउंड इज अ वेव विच इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। नाउ मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स, मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स विच नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। मीन्स दे नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। ओके, सो साउंड ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड्स। साउंड जो है वो सॉलिड्स से ट्रेवल करता है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड। अगर आप एक काम करें, यहाँ आपने क्या किया हुआ है, देखिए इस तरह से आप एक डिवाइस बना सकते हैं। द साउंड ऑफ योर वॉइस वाइब्रेट्स द कैन एंड दिस मेक्स द स्ट्रिंग वाइब्रेट। देखो ये एक कैन है और आपने ये थ्रेड लिया है और इधर दूसरा जो है कैन लगाया हुआ है। जब आप यहाँ पे बोलते हैं तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशंस आगे जो हैं कैन तक जाते हैं और ये कैन जो है ये वाइब्रेशंस को फॉरवर्ड करती है। ठीक है, साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड। साउंड इट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साउंड ट्रैवलिंग थ्रू लिक्विड्स। साउंड जो है वो लिक्विड्स से भी ट्रैवल कर सकता है। अगर आप क्या करते हैं, आप देखिए एक बेल लेते हैं और उसे रिंग करते हैं लेकिन पानी के अंदर करते हैं, वाटर के अंदर करते हैं। साउंड ट्रैवल्स थ्रू वाटर। साउंड जो है वो वाटर से ट्रैवल करता है क्योंकि आपको सुनाई आएगी आवाज़। साउंड ट्रैवल्स थ्रू वाटर, राइट? सो दैट्स वाई डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग साउंड, राइट? देन सबमरीन्स कैन सेंड द सिग्नल्स। शिप्स एंड सबमरीन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग सोनार। सोनार इज एक्चुअली द एब्रिविएशन फॉर साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जैसा मैंने आपको बताया कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ओके,
साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ओके, बिकॉज इट्स अ मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, ओके। तो ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर आप मान लीजिए, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि एक ग्लास जार है और इसके अंदर जो है हमने एक बेल लगा के रखी है। अब हम क्या करते हैं, प्लेस अ कॉर्क टू कीप इट एयर टाइट, और यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं बेल को एक बैटरी से। अब टेबल हैज अ साइड ट्यूब फिटेड टू अ वैक्यूम पंप, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, ठीक है। स्विच ऑन द प्लग की, जैसे हम प्लग की स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये आवाज़ जो है हम तक पहुँच सकती है, क्योंकि वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम तक क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जो बेल है क्योंकि वो स्टार्ट कर रही है रिंग करना, आवाज़ हम तक पहुंच रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जो हैं उनको बाहर ले जा रहे हैं। पंप ऑन कर दिया हमने और अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जो है अब ये क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। सो एज यू स्टार्ट द वैक्यूम पंप, तो क्या होता है, जब आप ए वैक्यूम पंप को स्टार्ट करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और अब भले ही ये हैमर इसे हिट कर रहा हो लेकिन अब साउंड जो है वह हम तक नहीं पहुंचता है, हम तक आवाज़ नहीं पहुंचती है, अब हम उसे नहीं सुन सकते हैं, हैमर भले ही गोंग को हिट कर रहा हो, ठीक है। इट क्रिएट्स वैक्यूम इन द बेल जार, ओके। द साउंड ऑफ द बेल बिकम्स फेंटर एंड फेंटर, ओके। As you switch off the vacuum pump, the air molecule enters the bell jar again, and then again you can hear the sound. So it proves that sound needs a material medium for the propagation. So sound is a mechanical wave. Let's do the next. Suppose you and your friend are on the moon. Will you be able to hear any sound produced by your friend? And the answer is no. Why? Because on moon there is no atmosphere. No atmosphere, it means no medium. No medium, hence sound cannot travel. Okay, so that's the point. Because you know sound is a mechanical wave, it needs a medium for the propagation. Light propagates faster than sound. Okay, so light, it travels faster than sound. Of course it is. That's why during the lightning, we see the light first and then after that we hear the sound. Why? Because it takes time. It takes more time for the sound to reach to us, because sound, it moves slower as compared to the light. Light travels very fast and that's why it can reach very quickly as compared to the sound. Lightning strikes at a distance. Thunder and lightning occur together. However, because the speed of light is 3 × 10⁸ meter per second, that's why it reaches very quickly to us. But sound, it takes time, and because its speed is lesser, and that's why it will reach to us after certain time, after the light, because light will reach first and then the sound will reach. Persistence of hearing. Now here you can see that persistence of hearing means when a given sound reaches the human ear, it affects the eardrum. देखिए जो साउंड ये पहुंचता है तो ये ईयर ड्रम को अफेक्ट करता है, और फिर ये जो है इसको कहते हैं आउटर ईयर, इसको पिना कहते हैं, पिना आउटर ईयर होता है ये, ठीक है। दिस इज आउटर ईयर पिना एंड देन दिस इज एट द एंड ऑफ दिस वी हैव
ईयर ड्रम एंड देन देयर इज सेटअप ऑफ थ्री बोन्स विच फर्दर गोज टू और कनेक्टेड विथ स्पायरल ट्यूब कॉल्ड कॉकलिया. ओके, दिस ट्यूब इज कॉल्ड कॉकलिया एंड फर्दर यू नो कॉकलिया इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड देन द ब्रेन हियर्स दैम. सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस. इट अफेक्ट्स रिमेन. नाउ डू रिमेंबर दैट द इम्प्रेशन ऑफ द साउंड ऑन द ईयर ड्रम इट रिमेन्स फॉर 1/10 पार्ट ऑफ अ सेकेंड. इट रिमेन्स फॉर 1/10 पार्ट ऑफ अ सेकेंड मीन्स वॉट? इट मीन्स दैट वॉट एवर द साउंड वी हियर इट्स इम्प्रेशन विल रिमेन इन आर ब्रेन फॉर 1/10 पार्ट ऑफ अ सेकेंड. ओके, नाउ वॉट हैपन्स दैट दिस फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, सॉरी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. दिस फीलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. ओके, नाउ हैव यू एवर बीन टू एन एको पॉइंट? सो यू नो वॉट हैपन्स दैट वेन वी शाउट ऑन एन एको पॉइंट देन आफ्टर सम टाइम वी हियर आवर ओन वॉइस, बट दैट इज नॉट आवर ओन वॉइस बट इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन साउंड. ओके, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जर्वर हिट्स डिफरेंट सर्फेसिस एंड रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दो सर्फेसिस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसिस इज कॉल्ड एको. ये जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? एको कहते हैं. ठीक है, तो अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हियर रिफ्लेक्टेड साउंड क्लियरली. द ह्यूमन ईयर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ओनली इफ देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 1/10 ऑफ अ सेकेंड. क्योंकि देखिए, एक साउंड ओरिजिनल साउंड है और उसके साथ में अगर दूसरा साउंड हमें रिफ्लेक्टेड साउंड सुनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए एटलीस्ट क्या होना चाहिए? जो गैप है दोनों के बीच में वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 1/10 ऑफ अ सेकेंड, राइट? 1/10 ऑफ अ सेकेंड. अगर उसके पहले साउंड आ जाएगा तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे. तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है किसी ऑब्स्टेकल की ताकि हम क्या कर सकें, हमारा एको सुन सके. तो देखिए, ये आपका ऑब्जर्वर भी है और यही पर्सन है जो क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. अब साउंड जो है यहाँ से जाता है, यहाँ तक जाता है और फिर वापस आता है, ठीक है ना? तो डिस्टेंस जो है कितनी जाएगी, मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो जो साउंड है वो पहले डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ऑब्स्टेकल तक जाता है और फिर वापस टकरा कर आता है. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा d+d, और d+d कितना हो जाएगा? 2d. अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ये आ जाएगा 2d इज इक्वल्स टू स्पीड यानी v इनटू टाइम इज t. अब आप देखिए, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है एक एवरेज अगर हम लेते हैं तो वो आता है 344 मीटर पर सेकेंड. ओके, 344 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब यहाँ पर आप देखिए 2d इज इक्वल्स टू 344 रखेंगे और टाइम जो है मिनिमम टाइम आपका होना चाहिए 1/10 ऑफ अ सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड, क्योंकि इसके पहले अगर साउंड आ गया टकरा कर तो आपको सुनाई नहीं आएगा. तो अब आप यहाँ से देखिए, आप लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू 172 × 0.1, और ये आ जाएगा आपका d इक्वल्स टू 17.2 मीटर. ओके, इट मींस कि जो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल की वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? वो मिनिमम डिस्टेंस जो है वह 17.2 मीटर होना चाहिए. तब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एको को सुन सकते हैं, ठीक है? दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है? तो ये सब होता क्यों है? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग के कारण होता है. दिस हैपन्स ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. चलिए आगे बात करते हैं. आगे है ह्यूमन ईयर टाइप्स ऑफ साउंड. तो देखिए, वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड ईयर. अभी मैंने इसके बारे में बात की थी
इट अलाउज टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. मतलब क्या करता है वो, जो प्रेशर वेरिएशंस होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज को इलेक्ट्रिकल. ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज मतलब जो हम सुन सकते हैं. और कौन सा सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को. उससे, इससे कम और इससे ज़्यादा वाले साउंड को हम नहीं सुन सकते. ठीक है, यही हमारी ऑडिबल रेंज है. कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो है इसको कहते हैं प्रेशर वेरिएशन. इन प्रेशर वेरिएशंस को अगर हम सुन सकते हैं, ठीक है ना, तो जैसा मैंने बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इन्हीं ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज को ये क्या करता है, ह्यूमन ईयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. अब होता क्या है, ये जो है इसे आउटर ईयर कहते हैं. आउटर ईयर को पिना भी कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया. आउटर ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड पिना. ठीक है, इसके बाद में यहाँ होता है मिडिल ईयर. ये जो है ये मिडिल ईयर है. और लास्ट में जो है वह इनर ईयर होता है. अब देखिए क्या होता है कि पिना जो है वो साउंड कलेक्टर होता है, वो साउंड को कलेक्ट करता है. फिर इसके बाद में यहाँ होती है ऑडिटरी कनाल. ये है ऑडिटरी कनाल. इसके बाद में होता है ईयर ड्रम जो कि वाइब्रेट करता है. एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम. ठीक है, फिर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ये है कॉकलिया. ये क्या करता है, प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. और फिर आगे ऑडिटरी नर्व जो होती है वह क्या करती है, वह ये सिग्नल्स को ब्रेन को भेजती है. और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इन्हें इंटरप्रेट करता है. ठीक है, ब्रेन इन्हें इंटरप्रेट करता है एज अ साउंड. ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, ईयर की. अब देखिए पिना क्या करता है, पिना जो है आउटर ईयर है. ईयर ड्रम क्या करता है, एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन. ऑडिटरी नर्व इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन. ऑडिटरी कैनाल द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू ऑडिटरी कैनाल एंड कॉकलिया इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. कैन वी हियर ऑल साउंड्स, तो आंसर है नो. देखिए वी कैन हियर साउंड्स ऑफ ड्रम बींग प्लेड, यस वी कैन हियर दैट. कैन वी हियर द साउंड ऑफ पेंडुलम ऑसिलेटिंग. देखिए साउंड तो पेंडुलम भी प्रोड्यूस कर रहा है, वेव्स तो वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्या हम वो सुन सकते हैं? नहीं, हम नहीं सुन सकते. क्यों नहीं सुन सकते? वाई? क्योंकि हर एक साउंड की एक फ्रिक्वेंसी होती है. ऐसी फ्रिक्वेंसीज जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है इन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड. क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड. बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो है इसे हम सोनिक साउंड कहते हैं. ये जो होती है ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है. क्या होती है? ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है. ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है. इसके बाद में मोर देन 20,000 हर्ट्ज जो है वह होती है अल्ट्रासोनिक साउंड. ठीक है, इसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं. राइनो जो होते हैं दे कैन लिसन अप टू 3 हर्ट्ज. इनको मतलब 3 हर्ट्ज यानी इंफ्रासोनिक साउंड में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सुन सकते हैं. 16 हर्ट्ज टू 12,000 हर्ट्ज जो है वो एलिफेंट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और 23 हर्ट्ज से 54,000 हर्ट्ज, सॉरी ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं. ठीक है ना, ये सुन रहे हैं. ठीक है, 23 हर्ट्ज टू 54,000 हर्ट्ज. इसके बाद में डॉल्फिन्स जो होती हैं, डॉल्फिन्स दे कैन हियर द साउंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड. इस साउंड को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं. ठीक है, पैस जो होते हैं वो 22,000 हर्ट्ज से 22,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज का साउंड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड रेंज में है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइब्रेशन, अगर हम किसी वाइब्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये है एक वेव. एक वेव मतलब कि एक पूरा ऑसिलेशन. एक वेव यानी कि एक पूरा ऑसिलेशन. ठीक है, अब ये जो होता है इसे क्रेस्ट कहते हैं और ये जो होता है इसे ट्रफ कहते हैं. ठीक है, अब एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. देखिए ये मीन पोजीशन है. ये क्या है? मीन पोजीशन है. और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं. ठीक है, इसे कहा जाता है मीन पोजीशन. तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. दिस इज दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है. ठीक है,
अब आगे बात करते हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या होती है, ये वाली जो पोजीशन है यहां पर भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, यूनिट इसकी मीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। फिर है टाइम पीरियड, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, ओके, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो देखिए ये एक पूरा ऑसिलेशन है या एक पूरी वेव साइकिल है, और ये जो है इसमें जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, इसकी यूनिट जो है वह सेकेंड होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसकी यूनिट जो है वह हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड में यहाँ जितने ऑसिलेशन होंगे, अब अगर एक ही ऑसिलेशन हुआ है एक सेकेंड में तो इसको हम कहते हैं वन हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी इसकी वन हर्ट्ज होगी। अगर यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, ये थ्री हर्ट्ज है, क्यों? क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए वन टू थ्री, थ्री ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं तो इसको हम कहेंगे थ्री हर्ट्ज, क्योंकि वन सेकेंड में ये थ्री ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। मतलब कि अगर आप मान लीजिए अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन हर्ट्ज इज वन ऑसिलेशन पर सेकेंड, अगर हम कहते हैं कि वन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है कि वन ऑसिलेशन एक सेकेंड में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे लाउडनेस ऑफ साउंड, जो कि किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो साउंड है ये उतना लाउड नहीं है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मतलब ये लाउडर साउंड है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ एम्पलीट्यूड लेस है तो साउंड कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मोर है, तो साउंड क्या होगा, लाउड होगा। लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसको जो है हम क्या करते हैं डेसिबल में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है वो 10 डेसिबल के करीब होती है, एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करती है, एरोप्लेन जो होते हैं वो 150 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अबव 80 डेसिबल साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल, साउंड जो है वो पेनफुल होता है। नेक्स्ट है पिच, पिच एक्सप्लेन्स श्रिलनेस इन साउंड, पिच जो है वो क्या करता है, श्रिलनेस प्रोड्यूस करता है, श्रिलनेस मतलब तीखापन जो होता है, शार्पनेस जो होती है, तो ये जो साउंड है इसका पिच हाई है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और इसलिए जो है ये हाई पिच साउंड है तो ये श्रिलनेस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जैसे कि गर्ल्स की जो पिच होती है वो कैसी होती है, हाई पिच साउंड होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी लो होती है तो पिच भी क्या होगा, लो होगा। जनरली बॉयज साउंड इज लो पिच, ठीक है। तो ये जो है देखिए लाउड साउंड जो है किसका होता है, लायन का होता है, पर इसका पिच लो होता है, और जो चिड़ियाएं होती, बर्ड्स होती, उनका सॉफ्ट लेकिन हाई पिच साउंड होता है, ठीक है। आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।